सब कैसे हैं, उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खाना शाना विद सईदा। आज हम बनाएंगे मैंगो केक। तो इसके लिए इंग्रेडिएंट लिए हैं मैंने 1 कप मैंगो, 1/2 कप चीनी, 1 कप मैदा, 2 अदद अंडे, 1/2 कप ऑयल और 1/2 कप मिल्क, और ये है वनीला एसेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंगो का पल्प लिया है, बिस्मिल्लाह, ये चीनी इसमें जाएगी, इसको ब्लेंड करते हैं। हाफ कप ऑयल, इसको ब्लेंड करती हूँ। ये भी वर्क, मैंने चीनी, मैंगो और ऑयल को मैंने शेक कर लिया है, ब्लेंड कर लिया। अब इसमें 2 अदद अंडे डालूंगी, इनको भी मैं करूंगी ब्लेंड। फिर आप देखिए व्यूअर्स, कितना स्मूथ और इजी बना है, कोई बीट करने की आपको जरूरत नहीं है, ब्लेंड कर लें जैसे। अब ये मैदे के आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ मैं। 1 कप मैदा है, 1 टीस्पून है बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर दिया है और ये 1/2 टीस्पून है बेकिंग सोडा। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 1 चम्मच में ऐड करूंगी वनीला एसेंस। हम इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। देखिए भी बहुत हमारा बैटर रेडी है, कितना स्मूथ। इस तरह आप इसमें ऐड करेंगे मैदा, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। ये 1/2 कप करके मैं इसमें ऐड करूंगी। ये जो गया मैदा था इसमें, ये भी मैं सारा ऐड कर देती हूँ 1/2 कप करके। इसको आराम आराम से मिक्स करते हैं। मैंगो केक बनाए घर में, आजकल हर तरह के फ्रूट आए हुए माशाल्लाह, बनाना बहुत इजी है। ये देखिए माशाल्लाह, अब मैं इसको इसी तरह मिक्स करूंगी। देखिए भी माशाल्लाह कितना फ्लफी सा बना है ये बैटर। इसमें मैंने मिल्क ऐड बिल्कुल भी नहीं किया। मैंगो, 2 अदद अंडे और 1/2 कप चीनी, मिल्क बिल्कुल भी नहीं ऐड हुआ। ये मैंने एक पैन लिया है, इसको पहले ऑयलिंग किया है, फिर मैदे से डस्ट कर लिया है। अब इसमें ऐड करती हूँ, ये सारा आज हम बनाएंगे कुकर में। इस तरह का मैंने कुकर लिया है और एक स्टैंड रखा है इसके अंदर। अब मैं इसमें रखूंगी पैन। ठीक है व्यूअर्स, अब इसको करते हैं बंद। देखिए व्यूअर्स, कुकर को हमने बंद कर लिया। आप कोई भी पुराना बर्तन लें, इससे वो बार बार बनाने से ख़राब हो जाते हैं। हमने एक पैन रखा हुआ है सिर्फ केक और दूसरी चीज़ों को बेक करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए व्यूअर्स, कुकर को मैंने बंद कर दिया है और इसकी सीटी ऊपर नहीं रखनी है। तो 5 मिनट के लिए हमने फुल फ्लेम पर रखना है और 30 से 35 मिनट के लिए स्लो आंच पे हम इसको रखेंगे और फिर आपको बताते हैं। ये भी बस 30 से 35 मिनट के लिए मैंने इसको बंद किया है। अब चेक करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह हमारा केक बिल्कुल रेडी है। अब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर आपको चेक कराते हैं। ये भी बस माशाल्लाह हमारा मैंगो केक कितना प्यारा और खूबसूरत बना है। आप भी बनाएं और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। अभी मैं आपको ये काट के दिखाती हूँ कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें कितना सॉफ्ट और अच्छा बना है। बहुत ही बनाना आसान है, आप भी बनाएं। आप इसे किसी भी फ्लेवर में बना सकते हैं। आजकल मैंगो आए हुए हैं।